बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इज़ माय ड्रीम। मैं आपकी ट्यूटर खुशी। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चंस यू कैन कमेंट मी। लेट्स वी मूव आवर स्टडी। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4 से। क्या है 4x² - 14 = 3x? इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? -b + -√(b²) - 4ac एंड डिवाइड टू a। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हमने इस फार्मूले से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम इसको तरतीब से लिखेंगे। ये जो 3x है इस साइड पर, हम इसको दूसरी साइड पर ले आएंगे जहाँ पर ये दोनों टर्म्स हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा 4x², ये 3x इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का 3x एंड -14 एज इट इज़ इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x² का कोफिशेंट है x का और जो कॉन्स्टेंट टर्म है, इनको इज इक्वल टू करेंगे ए बी सी। अब हमारे पास हमें इसी फार्मूले में क्या चाहिए? ए बी सी की वैल्यूज़ चाहिए। फिर हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें वैल्यूज़ निकालनी होगी ए बी और सी की। फिर जो हमारे पास x² का जो कोफिशेंट है वो हमारे पास वैल्यू होगी a की, एंड जो x का कोफिशेंट है वो वैल्यू होगी b की, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो इज इक्वल टू हो जाएगी c के। इस तरह से हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² का कोफिशेंट 4, एंड b इज इक्वल टू x का कोफिशेंट -3, एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स -14। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे x = -b + -√(b²) - 4ac / 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x = -b की जगह पर क्या आ जाएगा? -3 + -√(b) की जगह पर क्या आ जाएगा? -3² - 4a की जगह पर a की वैल्यू 4 और c की जगह पर -14 डिवाइड 2 एंड a की जगह पर a की वैल्यू लिखेंगे 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये -3 हो जाएगा, +√(3)-9। ये माइनस हो, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। 4 + 4 = 16। फिर 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, हमारे पास आ जाएगा 224 डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर x = 3 + - इसमें ऐड कर लेंगे, 224 में ऐड करेंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा √(233) डिवाइड 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखिए, ये 223 है, ये जो है किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसको हम नेक्स्ट सोल्व नहीं करेंगे और यही हमारा हंस हो जाएगा। फिर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? 3 + -√(233) / 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 223 आ गया। देन ये 220 जो 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा किसी भी नंबर का, तो हमने इसको फिर यहीं पे छोड़ दिया, ये नेक्स्ट सोल्व नहीं हो सकता, तो और यही हमारा जवाब हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। वो हमारे पास क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर पार्ट नंबर 5। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है। अब इसमें भी हमने ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेनी है। इसी तरह से पहले हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद एक्स वाली, और फिर कॉन्स्टेंट वाली टर्म ये तरतीब से लिख लेनी है हमने, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब ये देखिए, ये तरतीब से नहीं लिखी हुई, पहले इनको तरतीब से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले, उसके बाद एक्स वाली टर्म माइनस 7x, फिर कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 6, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7, एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड टू a। फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे, माइनस बी की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 6, एंड बी एंड सी की जगह पर माइनस 3 डिवाइड टू 1 की जगह पर, ए की जगह पर क्या आ जाएगा 6। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 72। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ऐड करेंगे इसको प्लस 72 में ऐड कर देंगे 49, 121 हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 11 का। जब हम 11 को करेंगे, 121 का हम करके देख लेते हैं, ये जाएगा 11 पे 1, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये देखिए हमारे पास 11 टू टाइम्स बन जाता है। तो ये 11 टू टाइम्स जब बनेगा तो हम इसके अंडर, तो ये 11 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ये देखिए 11 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, डिवाइड 12। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 डिवाइड 12। अब ये देखिए यहाँ पर दो साइंस है, एक बार प्लस में लिखेंगे इसको और एक बार माइनस में लिखेंगे। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइड 12, अब लिखेंगे माइनस में, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइड 12। एक्स इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 18 डिवाइड 12, ये माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस 4 डिवाइड 12। अब ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, दो पे काटा है, अब ये 3 पे कट रहा है तो 3 पे काट देंगे, ये काट दिया। अब ये देखिए ये भी कट रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 पे कट रहा है, फिर ये दोबारा अगेन 2 पे कट रहा है, 1/3 बच जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 प्लस में, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/3, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा,
वन बाय थ्री माइनस का एंड प्लस का 3/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x² + 8x + 2। 3x² + 8x + 2 = 0। इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 3, बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशियंट 8, सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स 2, पॉजिटिव 2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर क्या आ जाएगा 8 प्लस माइनस, फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की जगह पर आ जाएगा 3 एंड c की जगह पर आ जाएगा 2, डिवाइड 2, ए की जगह पर आ जाएगा 3, ए की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, ये 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये माइनस, फिर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो जवाब है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 12 2 24 डिवाइड 3 to the 6। अब इसको माइनस करेंगे, 64 - 24 40 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 40 डिवाइड में हमारे पास है 6। अब क्या करेंगे, हम जो हमारे पास 40 है इसकी हम टू वन द टू ज़ीरो एज इट इज टू वन द टू ज़ीरो, फिर दोबारा ये टू पे जाए, टू फाइव द टेन, फिर फाइव वन द फाइव। अब ये देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरह से बन रही है कुछ, ये देखिए 2 × 2 × 2 × 5। अब ये देखिए 2 टाइम्स जो हमारे पास 2 है, हम इसका क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर बना देंगे, और ये 2 और 5 है इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक 2 बची है ना, और ये भी एक ही है, दोनों जो हैं एक एक बच गए हैं, ये इन दोनों का तो हमने स्क्वायर लिख दिया है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 = 10। अब इसको लिख लेंगे माइनस 8 प्लस माइनस, ये देखिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। तो ये जो 2 का स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर हम अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे, डिवाइड 6, माइनस 8 प्लस माइनस, अब ये इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो 2 क्या आ जाएगा बाहर स्क्वायर रूट से, और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा 10, डिवाइड 6। अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म्स में 2 जो है वो कॉमन है, हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस 4 प्लस माइनस, और ये वाला 2 बाहर कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा अंडर रूट 10 डिवाइड 6। अभी देखिए 2 6 पर कैंसल आउट हो रहा है, इसको हम काट देंगे, 2 × 2 = 2 × 3 = 6 माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 10 डिवाइड में क्या बचा 3। अब ये देखिए जो 10 है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हाँ ये मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारे पास यही हम स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन को, और हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4
प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइड 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेटिक्स इज़ माय ड्रीम। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।